हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है राउटर मशीन। बहुत लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि भाई राउटर के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राउटर कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास है क्लिप कंपनी का FR08V या फिर 8012 मॉडल का ये राउटर मशीन। दोस्तों, इसमें बहुत ज़ोर से स्पार्क हो रहा है, मशीन अभी चालू कंडीशन में नहीं है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा क्या चीज़ है। सब कुछ जानकारी आपको ये वीडियो में मिलने वाला है, तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, कार्बन निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन में निकाल लिया हूँ, तो आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखिए, आप जैसे कि मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे जब मशीन को स्टार्ट किया जाता है, यहाँ पे ये लाइट जल रहा है, लेकिन अंदर में कोई फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको अभी बताऊँगा, और कैसे हम टेस्ट करेंगे ये दिक्कत कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे आर्मेचर। ओके, आर्मेचर सही है या ख़राब है। तो आर्मेचर को चेक करने के लिए आप यहाँ पे ये जो कार्बन होल दिख रहा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, आर्मेचर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आर्मेचर शॉर्ट ही हुआ है, तो इसके कारण ये चालू नहीं हो रहा है। देखिए, कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है, तो इसके वजह से शायद नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अभी टेस्ट करके बताऊंगा क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि आर्मेचर कम्यूटेटर शॉर्ट होने के बाद चलता है, लेकिन स्पार्क आएगा। ओके, स्लो घूमेगा, स्पार्क आएगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं फंक्शन हो रहा है। तो अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको स्विच को ऑन करना है, स्विच को ऑन करके चालू कंडीशन में रखना है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर रखा, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो पावर सप्लाई केबल का दो पिन रहता है, यहाँ पर रखिए। अभी आपको एक सीरीज बोर्ड की जरूरत होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे कार्बन होल्डर में रखना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना है। देखिए, ये पोजीशन, ये फंक्शन कर रहा है, मतलब एक पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखिए, और उसका दूसरा पोजिशन, दूसरा कार्बन इस साइड है, इसको भी आप यहाँ पे लगाए, मतलब ये दोनों सही है। तो चालू क्यों नहीं हो रहा था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, दोबारा आप कार्बन लगाइए। देखिए, अगर यहाँ पे सही है तो कार्बन मशीन चलना चाहिए, तो ये क्यों नहीं चल रहा है। इसमें दोस्तों किसी ने CM4 का कार्बन लगाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन इसमें LG325 का कार्बन लगेगा। ओके, ये चालू नहीं हो रहा है। अभी हमको क्या करना है, इसका ऊपर वाला स्क्रू खोलना है। ये देखिए, यहाँ पे दोनों स्क्रू है, उसको हमको खोल देना है। ओके, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों चालू नहीं हो रहा है, वो पोजीशन आपको मैं ढूंढ के बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे तो आर्मेचर मुझे लग रहा है आर्मेचर खराब हो गया, तो यहाँ पे मैं देख लूंगा दोबारा आर्मेचर खराब हुआ या नहीं हुआ। ओके दोस्तों, अभी देखिए, ये देखिए, मैं अभी आपको क्या दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे देखिए, सीरीज मेरा कनेक्शन हुआ है, स्विच में ऑन करूंगा। देखिए, ये चालू नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं घुमाऊंगा। ओके, ये पोजीशन में ये सही दिखा रहा है, लेकिन देखिए आग निकल रहा है यहाँ। देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, कम्यूटेटर पूरा शॉर्ट हो गया है, मतलब एक एक पॉइंट आपको दिखाएगा और एक एक पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट हो गया है। ओके, ये पॉइंट शॉर्ट हो गया है, इसके कारण लगभग ये सब सारा कुछ यहाँ पे खराब हो गया है। ये देखिए, एक दो तीन पॉइंट, यहाँ पे भी दो पॉइंट, ये देखिए, ये खराब हो गया। तो ये दिक्कत ऐसा हो रहा है, अगर आप
उसका कार्बन नहीं है तो घिस के आप कार्बन लगाओगे तो ये दिक्कत होगा। तो चलिए अभी क्या करता हूँ, आर्मेचर चेंज करके दिखाऊंगा और ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका कार्बन में निकाल चुका हूँ, दूसरी पॉइंट भी हम निकालेंगे दूसरी साइड। तो ये देखिए कितना जल्दी ये खत्म हो गया, बहुत जल्दी ये खत्म हो गया। इसको दोस्तों खोल लो यहाँ से। ओके, इसको खोलने के बाद ये निकल जाएगा। ओके, ये निकल जाएगा, इसको आपको साइड में रखना है, इसमें कोई भी काम नहीं है। और मेन चीज़ यहाँ पे खोल लेते हैं, उसको लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम उसका चार ठो स्क्रू, यहाँ से देखिए ये चार ठो स्क्रू है, तो चार ठो स्क्रू यहाँ पे हम ये चार ठो स्क्रू हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रू को निकालने के बाद यहाँ पे हम इसका भी स्क्रू खोलना खोल लेंगे, ये भी स्विच का स्क्रू खोल लेंगे। ओ, ये देखिए ये स्विच का स्क्रू भी निकल गया। यहाँ से आपको एक चीज करना है, ये जो दो स्क्रू है किसी को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो दो स्क्रू है इसको ढीला कर दीजिए, ये दो स्क्रू निकाल लीजिए। ये निकल गया, निकलने के बाद हमको क्या करना है, दूसरी बार दोबारा हमको यहाँ पे उसको लगाना है, इसको ये जो कवर लगाना है और जितने भी स्क्रू है उसको टाइट कर लेना, क्योंकि भाई ये निकल जाएगा स्विच वगैरह उसमें है, तो ये मतलब सही परफेक्ट नहीं होगा हमको काम करने में उसको देने को। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, एक सांप फैन वगैरह में निकलता है ये सांप, तो सांप लीजिए यहाँ से पकड़ के फिर तो आराम से उसको निकाल देना है, और इसमें कोई भी इशू नहीं होगा कॉइल का। ओके, कॉइल आप कंटिन्यूटी उसका ओम भी चेक कर सकते हो, अगर आपका डाउट है कॉइल में तो आप उसका ओम भी चेक कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, कॉइल का कोई इशू नहीं है, आर्मेचर का ही दिक्कत है, तो हम उसमें सिर्फ आर्मेचर को ही चेंज करें। आर्मेचर यहाँ पे देखें, ये 80-12 का आर्मेचर है, तो 80-12 का आर्मेचर यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए क्वालिटी अच्छा रहता है, तो हम इस आर्मेचर को हमको लगाएंगे। ओके, ये देखिए। ओके, ये सेम टू सेम आर्मेचर है, बस कोई भी इशू नहीं होगा, हमको इसको खोलना है, तो खोलना भी बहुत आसान है दोस्तों, ये थोड़ा टाइट रहता है, आप उसको पीटना है तो खुल जाएगा। और हमेशा ये ट्राई कीजिए इसको भाइस में पकड़ के निकालने के लिए, अगर नहीं निकला तो सही बात है, आप उसको पीट के निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ से देखिए मेरा आर्मेचर यहाँ पे ख़राब हो चुका है, यहाँ से पीटने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं पीटूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरा वीडियो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, शायद किसी को समझ में नहीं आएगा, तो पीटने से ये चूड़ी ख़राब हो जाएगा, तो हमेशा ये चाहिए चीज़ें इसके अंदर होल लेते हैं, तो इस होल में एक शाफ्ट लगा लीजिए, शाफ्ट लगाने के बाद यहाँ पे पीटिए। ओके, यहाँ पे देखिए, ओके इसको छोड़िए, बाद में मैं इसको निकाल लूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए लग गया है, जॉइंट हो गया, थोड़ा ये मोटा हो गया, तो कोई इशू नहीं, आप इसको तो भी थोड़ा ध्यान दीजिए, पतला सा चीज दीजिए, इसलिए ये ना फंसे नेक्स्ट टाइम। ओके, मेरा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, तो कोई इशू नहीं, छड़ी फेरिंग निकालने के लिए मेरे पास ये पुलर है, तो ये पुलर को मैं यूज करूँगा फेरिंग को निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6200 का बेरिंग है, ये बिल्कुल टाल नहीं है, परफेक्ट है, ये देखिए घूम रहा है, कोई इशू नहीं है, तो अगर खराब होगा तो जरूर हम चेंज करेंगे। अभी ये बेरिंग निकल गया है, तो
तो बेरिंग यहाँ पे मेरे पास है, अभी आपको बेरिंग नहीं लगाना है, बेरिंग मैं दिखाऊंगा कब लगाना है। ये देखिए 6200 का ये बेरिंग है। ओके, तो बेरिंग बिल्कुल सही है, तो कोई इशू नहीं है, तो बेरिंग को हम बाद में लगाएंगे। अभी दोस्तों आपको बेरिंग नहीं लगाना है, तो बेरिंग कब लगाओगे वो मैं बताऊंगा। साइड में सबको साइड कर लीजिए। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, आर्मेचर को फिटिंग करना है। थोड़ा यहाँ पे टाइट होता है, हमेशा आर्मेचर यहाँ पे टाइट जाता है दोस्तों। अभी क्या होता है ना, इसमें आर्मेचर टाइट जाता है, आर्मेचर यहाँ पे जब लगाओगे ये टाइट होके लगेगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा ऑयल देना है। आर्मेचर में आप दे दीजिए, नहीं तो चलो ये जो बेरिंग है इसमें भी आप दे दीजिए, थोड़ा ऑयल जरूर दीजिए, क्योंकि ऑयल देने के बाद ये आराम से चला जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आर्मेचर को बिल्कुल भी पिटना नहीं है। ओके, यहाँ से ये लगा लीजिए, और आपको कहाँ पिटना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों आपको देखिए ये जो ये स्ट्राइकर पिन रह दीजिए। अभी आपको दोस्तों यहाँ पे आर्मेचर को बिल्कुल भी नहीं पिटना है, यहाँ पे ये बेरिंग लगता है। अगर बेरिंग बिठा के आर्मेचर को पिटोगी तो ये खराब हो जाएगा, प्लस बेरिंग का भी दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे रखना है और इसके ऊपर यहाँ इसको रखना है, ये जो स्ट्राइकर पिन रहता है उसको रखना है, और फिर यहाँ पे आप पिटिए। अगर यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो नीचे रख के पिटिए, नहीं तो ऊपर में आप ऐसे ही रख के पिटिए। देखिए आराम से चला जाएगा, इसे देखिए मैं नीचे भी नहीं रखा हूँ लेकिन ये ऊपर में है, आराम से चला। ओके, अगर यहाँ से अगर पिटोगी तो ये दिक्कत करेगा, नहीं जाएगा, कभी कभी चला तो जाएगा लेकिन ये दिक्कत होगा, ये खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ है, परफेक्ट ये फिटिंग होता है, इसमें कोई बेरिंग का भी खराब नहीं होगा, आर्मेचर भी खराब नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये बैठ चुका है, ऑलरेडी बैठ चुका है, तो ये कोई भी इशू नहीं है। देखिए आर्मेचर सही से घूम रहा है। अभी आपको बेरिंग लगाना है, ये देखिए अभी आपको यहाँ से बेरिंग लगाना है। बेरिंग लगाने का तरीका मैं हमेशा आपको बताया हूँ, क्योंकि बेरिंग आराम से लगा सकते हो। देखिए बेरिंग में 2-3 सेकंड लगेगा पिटने में, कभी कभी इसमें ऐसे पिटते हैं तो यहाँ पे टाल हो जाता है, बेरिंग साउंड होता है, लेकिन ये देखिए ये घूम रहा है, मैं पिट सकता हूँ इसको। ये देखिए सेम, कोई भी इशू नहीं होगा, घूम रहा है मिस, ये बेरिंग घूम रहा है, तो कोई भी इशू नहीं होगा, आप बेरिंग को ऐसे पिट सकते हो। 1-2 सेकंड लगेगा पिटने में, तो और भी कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो अभी आपको फिटिंग करना है। ओके, आर्मेचर यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है फिटिंग का, अभी हम उसमें मशीन को फिटिंग करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये देखिए थोड़ा इसमें डस्ट वगैरह घुस जाता है, तो आप यहाँ पे ब्लोअर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ब्लोअर में यूज कर रहा हूँ, ओके दोस्तों अभी सब कुछ रेडी हो गया है, मैं यहाँ पे इसको फिटिंग कर लूँगा। तो कैसे फिटिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए एक साइड ये हैंडल रहेगा, ऐसे आपको इसमें लगाना है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये फिट गया। ओके, यहाँ पे हमेशा ट्राई कीजिए, ये बेरिंग ये जो आर्मेचर घूमना चाहिए, कभी कभी टाइट भी हो जाता है, तो ये सही तरीका है आपको लगाने का, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा दोबारा। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों ये टाइट हो गए, तो इसको आप थोड़ा और पीट लीजिए दोस्तों। देखिए हमेशा ये जो तरीका होता है ये फिक्स कर देगा, पूरा परफेक्ट कर देगा आपका भी। अगर कोई भी इशू होगा इसको दोबारा पीट लीजिए, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है, इसमें कार्बन लगाना है और चलाना है मशीन को। तो ये देखिए LG 3W5 का कार्बन है यूज कर रहा हूँ, तो इसको आप यहाँ से खाल लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको लगा देना है, ये देखिए ये लग गया है, पूरा परफेक्ट, देखिए पूरा परफेक्ट है, इसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर जब आप कार्बन लगाते हो, देखिए ये CM4 का कार्बन इसमें लगा नहीं सकते हो। देखिए अब पहली बार तो ये घुसेगा नहीं, और दूसरी इसमें बहुत गैप रहेगा, देखिए ऊपर से कितना गैप रहेगा कार्बन। ओके, तो ये सही नहीं है, ये आप अगर आप लगाओगे
तो अर्मेचर खराब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए अर्मेचर, अर्मेचर में कार्बन ऐसे लगता है जैसे कि उसमें कार्बन होल्डर में परफेक्टली घुस सके, क्योंकि कार्बन कार्बन पूरा सेट है, उसमें कोई भी गैप नहीं है। ओके, तो ये चला जाएगा, फिर आपको उसमें लगा देना है उसमें उसका कार्बन कैप, सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। बाद में ये मशीन लॉन्ग लास्टिंग, आपका ये मशीन लॉन्ग टाइम के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये टाइट नहीं हो रहे, आराम से जा रहा है ये देखिए। ओके, अभी दोस्तों आपको क्या करना है, मशीन को चला लेना। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा मशीन किस कैसे चलता है। आपको स्विच को ऑफ करना है, सबसे पहले सीरीज में आपको चलाना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्पार्क नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी आग नहीं निकल रहा है। ना इधर से। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का आपको क्वालिटी वीडियो आप कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप इस तरह सा वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल को सपोर्ट कीजिए जरूर, क्योंकि बहुत कम लोगों ने वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने करते हैं। लेकिन ये दोस्तों इस टाइप का क्वालिटी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, नॉलेज हमको भी है और किसी को भी है, लेकिन इस टाइप का वीडियो आपको कोई नहीं दे पाएगा। बहुत लोगों ने वीडियो बनाते हैं लेकिन इस टाइप का क्वालिटी वीडियो, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई नहीं दे पाएगा। तो ये देखिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं कंप्लीट फिटिंग करके आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो स्प्रिंग होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी मशीन ऊपर नीचे नहीं होता है, तो इसका कुछ कारण है ये जो पाइप, ये पाइप इम्पोर्टेंट है। तो ये पाइप आप थोड़ा साफ कर लीजिए, फिर साफ करने के बाद थोड़ा यहाँ पे ऑयल दे दीजिए, दोनों तरफ आप ऑयल को देना चाहिए, दोनों तरफ आप ऑयल दे दीजिए। इसमें आप भी थोड़ा ऑयल दे दीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा ये दोनों तरफ ऑयल दे दीजिए। अभी दोस्तों आपको मैं फिटिंग करूंगा, फिटिंग करके बताऊंगा। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना है इसको, और इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। ओके, ये हो गया, प्रेस करके इसको लगा देना। ओके, ये हो गया। अभी आपको यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है। ओके, इसको यहाँ पे टाइट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको भी टाइट कर लीजिए, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे थोड़ा पकड़ना है, और यहाँ से इसको भी टाइट कर लीजिए, ये चीज यहाँ पे इसको भी टाइट कर लीजिए। ओके दोस्तों, ये लगभग ये फिटिंग हो चुका है, पूरा कंप्लीट फिटिंग करूंगा और करके दिखाऊंगा आपको, और कैसा चीज रहता है आप जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ नॉलेज मिला तो। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए, मैं इसको इसलिए टाइट किया था क्योंकि इसमें थोड़ा तार वगैरह निकल जाता है, तो गड़बड़ी होता है पकड़ने में, तो इसलिए मैं उसको टाइट कर लिया था। दोनों को स्क्रू टाइट कर लीजिए, और दोस्तों चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं